और ये देखिए, क्या है। फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं फिर से एक न्यू व्लॉग के साथ। और अभी हम लोग हैं इस साइड है पटना, और वहाँ पे है महावीर मंदिर, और हम आए हुए थे पटना अभी किसी काम से। तो यार एक व्लॉग छूट रहा था, कौन सा व्लॉग था, हाँ मुझे पता, ये व्लॉग बहुत डीले आया क्योंकि इस ब्रिज का उद्घाटन बहुत मतलब कुछ दिन पहले हुआ, बट फिर भी सोचे चलो यार आ गए हैं तो इसको आज कवर कर ही लेते हैं। तो हम लोग अभी है जाने वाले हैं मीठापुर, जो यहाँ पे मीठापुर में ब्रिज बना है इसका मैंने व्लॉग कवर नहीं किया था। तो भाई पहले बाइक साइड में लगाता हूँ, मैं बाइक साइड में लगा लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। तो यही है मीठापुर में जो नया ब्रिज बना था, इसका आज हम लोग व्लॉग को शूट करने वाले हैं। और बाकी इसके आगे भी इस तरफ आर ओ भी बनने वाला है, वो भी आप लोग को वीडियो कुछ दिन बाद कवर करके दिखाएंगे। बाकी आज आप लोग इस राइड का मज़ा लीजिए। बाकी अभी हम लोग हैं मीठापुर में जो नया फ्लाईओवर बना है, और यहाँ पे कुछ डूब का अपना फ़ोटो कवर क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग राइड कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली हम लोग इस पर राइड अपना कंटिन्यू कर चुके हैं, और इसका उद्घाटन हुआ था जिस दिन मरीन ड्राइव और अटल पथ फेज टू का जिस दिन मतलब उद्घाटन हुआ था, उसी दिन इस ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ था। तो भाई उस दिन हम कवर नहीं कर सके, अब रीज़न क्या था ये भाई छोड़ो। बाकी आज इस पर आज हम लोग एक राइड करने आ चुके हैं, और बाकी आप लोग राइड में कंटिन्यू बने रहो, और भाई राइड का लो मज़ा। और हम मेरे और थोड़ा सा करो मुझे भाई सपोर्ट, क्योंकि भाई सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। और ये जो ब्रिज बना ना भाई, यहाँ पे इसकी वजह से ना, इसके मतलब पहले नहीं था तो मतलब यहाँ पे जाम का समस्या कितना ही था क्या बताएं। और अभी आर उधर मीठापुर में आर ओ भी जो बनने वाला है भाई, उधर हाल ही में मतलब जो मकान था इलीगल था वो टूटा फूटा, उधर का भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, बट वो अलग बात है। बट आज खास करके इसका वीडियो शूट करने आया हूँ ताकि मतलब आप लोग को पता चले। और हाँ, ये रोड भाई जो लोग अनिशाबाद जाने वाले हैं उनके लिए ये वरदान साबित होगा, क्योंकि ट्रैफिक से बचेंगे और डायरेक्ट निकल जाएंगे अनिशाबाद, उसके बाद जहाँ जाना है और एयरपोर्ट वगैरह जाना है, बस यही है। और बाकी आप लोग को कैसा लगा आज का व्लॉग वो लोग आप लोग तो कमेंट करके बताइएगा, बट ये छोटा सा ही व्लॉग है, बट आप लोग राइड में बने रहिए। और ये देखिए, क्या ही बोला जाए, ना हेलमेट है ना कुछ है, ये तो गलत है ना भाई, ये चीज़ तो गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। कम से कम जो बैठा हुआ और पीछे जो बच्चा था, अभी हम लोग मीठापुर क्रॉस करेंगे और यहाँ से ये रोड चला जाएगा डायरेक्ट अनिशाबाद की तरफ। तो अनिशाबाद की तरफ से तो हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई उधर होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ट्रैफिक, और ट्रैफिक में मुझे फंसना नहीं है। तो हम लोग यहाँ से कट जाएंगे राइट और निकल जाएंगे इधर से घर अपना, मतलब बाकी आप लोग राइड का मज़ा लो। और पिछले भी वीडियो अटल पथ फेज टू का मैंने जो अपडेट डाला था उस पर आप लोगों ने यार रिस्पांस बहुत ही मतलब इतना गंदा दिखाया ना, क्या बताऊँ मैं, बट कोई नहीं भाई, आप लोग का जो मन हो वही चीज़ सही है। बट यार जो अपडेट होता है मैं जितना जल्दी चाहूँ उतना जल्दी दिखाने का कोशिश करता हूँ। हाँ इस बार मैं थोड़ा सा डिले हो चुका हूँ, बट क्या करूँ भाई, होता है कभी कभी। कभी कभी हो जाता है भाई, सबसे होता है, मेरे से भी हो गया, बट कोई नहीं। आप लोग लो राइड का मज़ा, और बाकी आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और राइड को एंजॉय कंटिन्यू रखेंगे आप लोग, पूरा राइड देखो। बाकी आप लोग से मिलते हैं बस नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। और हाँ, जो लोग मेरे वीडियो पर नए आएंगे ना भाई, वो लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और हाँ हो सके तो भाई एक शेयर बनता है, आप लोग शेयर करोगे, शेयर का अलग ही फीलिंग है भाई। व्यूज़ आते हैं ना जो वीडियो पे, धीरे धीरे व्यूज़ बढ़ते हैं, उसका खुशी अलग होता है भाई। बाकी यहाँ से हम निकलेंगे बेली रोड। बाकी पटना का मौसम का कुछ पता नहीं चल रहा है, कब यहाँ बारिश हो रहा है, कब इतना धूप भाई, क्या ही बोला जाए।
और बहुत लोग मेरे मतलब वीडियो पे बोल रहे हैं, ऐसा डीएम भी कर रहे हैं कि भाई ड्यूक 200 का माइलेज टेस्ट करो, इसका परफॉर्मेंस चेक करो। तो भाई ड्यूक का माइलेज अभी मैं फ़िलहाल बता देता हूँ, ये 30-28 दे रहा है। मैं जैसे जिस तरह से मैं राइड करता हूँ उस तरह से ये 30-28 देता है। और बाकी इसका प्रॉपर वीडियो माइलेज का बहुत जल्द लाने वाला हूँ, टैंक टू टैंक करूँगा या टैंक पूरा खाली करके करूँगा भाई, जिसमें मुझे मतलब अच्छा लगेगा मैं वही करने वाला हूँ। लेकिन बहुत जल्द वीडियो आने वाला है और बाकी इसका परफॉर्मेंस का भी वीडियो आएगा बहुत जल्द। मैं मतलब सोच रहा हूँ रेगुलर होकर इसका सारा जितना मतलब जितना भी सारा वीडियो है ना वो अपलोड करूँ। बाकी आप लोग यार जितने भी ड्यूक लवर है, KTM लवर है, RC लवर है, वो मतलब सब्सक्राइब कर दे चैनल, ताकि आप लोग को ड्यूक 200 से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। और बाकी जो पटना वगैरह का जो भी अपडेट रहेगा वो भी मैं देता रहूँगा। तो यार इसके लिए कोई नाराज़ वाराज मत होना कि भाई तुम ये नहीं बनाते वो नहीं बनाते, भाई टाइम लगता है थोड़ा सा, हर चीज़ में टाइम लगता है। और हाँ इधर मैं थोड़ा सा डिले बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, बट कोई नहीं भाई, कंटिन्यू भी हो जाऊँगा, टेंशन ना लो उसका। अरे भाई मुझे सबसे ज़्यादा यही गंदा लगता है, ट्रैफिक में फंसना, पर ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहता क्यों भाई, हेलमेट के अंदर रहने पे ना पता चलता है हाल। ऐसे ऐसे तो यार बीच से सब कार मोड़ देते हैं, क्या बताया जाए। और बाकी अपना KTM अलग मूड में हूँ कर रहा है, ये कितना भी मौसम ठंड है या गर्मी है, गर्मी में तो पागल बनाएगा ही और ठंड के मौसम में तो मज़ा आता है इस पर। और बाकी भागने में तो भाई जानते ही हो, रॉकेट है, नहीं बिलीव है तो देखो। भाई भागने के मामले में ये KTM पीछे नहीं रहता भाई, चाहे KTM का 125 ले लो या 200 ले लो या 390, भाई तो रॉकेट है वो, उसको पॉकेट रॉकेट बोला ही जाता है। भागने के मामले में कभी पीछे नहीं रह सकता है, परफॉर्मेंस भाई इसका गजब है। आप इसको जितना चाहो उतना भगा सकते हो, लेकिन हाँ अपने लिमिट में भगा। और बाकी यहाँ फिर से फंसने वाला हूँ मैं ट्रैफिक में,